वेलकम टू दी एट पार्ट ऑफ द नेम रिएक्शन दैट इज फ्राइडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसके पहले वाला पार्ट में हम पढ़े थे फ्राइडरक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, अभी हम जो पढ़ रहे हैं फ्राइडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन का मतलब होता है एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड और एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड और एसिड क्लोराइड। तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे एसिड हैलाइड, दैट इज कॉल्ड एसिड हैलाइड मतलब अल्कालॉइड क्लोराइड। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स एसिड हैलाइड, इसको बोलते हैं एसिड, एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो डेफिनेशन क्या हो गया, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव ट्रीटेड विद एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 व्हिच फॉर्म कीटोन, व्हिच फॉर्म कीटोन। उसी तरह से उसके डेरिवेटिव, इसके एसिड बेंजीन के डेरिवेटिव क्या क्या हो सकते हैं, हैलोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फेनॉल, ठीक है, बहुत सारे इसके डेरिवेटिव फंक्शनल ग्रुप के साथ हो सकते हैं। उनका रिएक्शन भी कराने पे क्या बनेगा आपका, उसका प्रोडक्ट बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिव ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, उसके अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। और पारा मेजर प्रोडक्ट हमेशा बनता है इज कम्पेयर टू ऑर्थो। तो उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन ऑफ फ्राइडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन याद हो गया होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको पढ़ाई पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज मोटिवेट अदर्स टू डू दी क्लासेस ऑनलाइन। बाय बाय।